मध्य प्रदेश के भिंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग संपन्न हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव परिणाम घोषित कर दिया है, वहीं जिसमें भाजपा की कामना सिंह भदौरिया निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। जिसके बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कामना भदौरिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने उन पर क्षेत्र के विकास के लिए भरोसा जताया है, जिस पर वो खरा उतरेंगी। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया समेत विधायक संजीव सिंह मौजूद रहे। बात आती है क्षेत्र के विकास की, तो आज पहले भी मैं इस बात को बोला था कि भिंड का जब भी नाम आता है एक बहुत ही पिछड़े हुए जिले के नाम से आता है, तो हमें सबसे पहले उस छवि को दूर करना है। और वो छवि जब ही दूर होगी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू करी हुई है, वो प्रदेश के जन जन तक पहुँचे, हर कन्या के पास पहुँचे, हर लोग जो भी है उसका पूरा फायदा उठा सके। गढ़ भारतीय जनता कांग्रेस का लहर कभी नहीं रहा। कुछ तमाम सारे कारण ऐसे हैं जिन्हें मैं यहाँ कहूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता। कभी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहा कांग्रेस और बीजेपी के अंतर में, कि वे बहुत बड़े डिफरेंस हैं उनका, उनको विजय मिली हो। और आगामी 2023 में तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह